मैं आप सबका यहाँ दिल से स्वागत करता हूँ। ये बोया एंड वन माइक देखते यही है, बोया एंड वन माइक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो यूज़ करते हैं यही बोया एंड वन माइक यूज़ करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसे फुल रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग भी करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यही रहे बोया M1 माइक। और साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर होलोग्राम देखने को मिलता है, होलोग्राम देख सकते हैं ये बोया की तरफ से, इसे वेरीफाइड हो जाता है कि भाई यही असली है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन देखने को हमें मिल जाता है। फीचर में देखें तो भाई स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, PC, TTC, इसमें सारे में ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन में कनेक्ट करा सकते हैं, मतलब इसी बोया M1 माइक को। तो इसको हम जब तक ओपन करते तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। पहले ओपन करते हैं, यहाँ से आपको ऐसे खींचना है और यहाँ से हम ओपन करते हैं और यहाँ खुल जा, खुल गया है, देखते हैं। यहाँ बहुत कुछ देखने में मिल जाता है, कुछ नहीं, डिब्बा खाली एकदम से। अब बोया की तरफ से हमें यहाँ देख सकते हैं, बोया की तरफ से यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, साथ वारंटी कार्ड देखने को हमें मिल जाता है। सर तो वारंटी कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर चाइना का लिखा हुआ देखने को मिलता है भाई। और हमें स्टिकर देखने को मिलता है बोया की तरफ से, भाई इसे कहाँ चुपकाऊँगा मैं, दरवाजा में चुपकाऊँगा और क्या। बोया की तरफ देख सकते हैं बोया क्वालिटी सर्टिफाइड देखने में मिल जाता है, यहाँ छोटा सा मुन्ना सा नीला रंग का है। और हमें एक तरफ से सिलिकॉन जेली देखने को मिल जाता है। और हम बुरी तरह से इसमें पाउच देखने को मिलता है और पाउच के अंदर ये देख सकते हैं कि ये है कुछ, ये बैग जो सब पन्नी में है, सब कुछ साइड रखते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर मिलता है माइक देखने में मिल जाता है। पॉलिथीन में जाए तो देखते हैं क्या क्या मिलता है पॉलिथीन में, ओपन करते हैं। इसमें हमें 40 इंच का अडेप्टर देखने को हमें मिल जाता है, इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्लिप देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं क्लिप बहुत टाइट है, मतलब इस क्लिप को टी शर्ट में इंसर्ट कर सकते हैं आप इसके जरिए से। एक तो हमें फॉर्म देखने को मिल जाता है जिसे हम माइक में इंसर्ट कर सकते हैं। हमें एक तो बैटरी देखने को मिल जाती है LR44 का, देख सकते हैं यही LR44 है, बैटरी है छोटा सा। तो चलते हैं माइक की तरफ, देखते हैं यही बोया M1 माइक है, देखते हैं यही माइक है, छोटा सा मुन्ना सा छोटा सा माइक है यार। और यहाँ 3.5 का अडेप्टर देख सकते हैं, यही मोबाइल में इंसर्ट कर सकते हैं कहीं भी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से छोटा सा सर्कल देखने में मिलता है, तो बीच में ही सेंटर है। एक बार चार्ज कर चेक कर लेते हैं अडेप्टर चेक हो रहा कि नहीं, हाँ भाई इंसर्ट हो रहा अच्छे से। और साथ साथ देख सकते हैं ये तार की लंबाई ना पे, तार की लंबाई तो 20 फुट देखने में मिलता है हमें, कहीं मुसीबत हो कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ देख सकते हैं कि तार जस्ट बीच में सेंटर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोरी तरफ से ये कुछ भारी मेटल देखने में मिलता है, जिसको ओपन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे खोलते हैं देख सकते हैं यहाँ बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ही इस बैटरी जब इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर कैमरा और स्मार्टफोन देखते हैं। यहाँ कैमरा लिखा हुआ है या ऑफ स्मार्टफोन लिखा हुआ है, जब इंसर्ट कर देंगे जब आप कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो कैमरा के लिए ऑन करना है बस, और जब स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल करें तो आप जस्ट नीचे करना है। ऑफकोर्स मैं भाई मेरे पास स्मार्ट ही फोन है तो स्मार्टफोन में ही मैं करूँगा बस, और यहाँ और कुछ नहीं है। और तार की लंबाई तो 20 फुट है भाई, और यहाँ 3.5 का अडेप्टर है, और ये माइक देखने मिलता है, माइक फॉर्म को हमें इंसर्ट करते हैं, माइक क्लिक को भी हमें इंसर्ट करते हैं। एक बार चेक करते हैं कि ऑडियो क्वालिटी की भाई ऑडियो मतलब कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, इसे चेक करते हैं। तो इंसर्ट कर चुका हूँ बोया, इसमें फॉर्म है और क्लिप है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी इंसर्ट कर चुका हूँ, चेक चेक करते हैं। अर्थात यहाँ पर ये क्लिप देखने मिलता है, ये क्लिप को सर टी शर्ट कहीं भी कर सकते हैं, बस यहाँ कॉलर के जस्ट सामने ही कर सकते हैं क्लिप को, चलिए इंसर्ट करते हैं एक बार। तो हम बोया M1 माइक को अपने यहाँ कॉलर के सामने, अभी जो बोल रहा हूँ तो क्वालिटी अभी कुछ साफ देख रही है, क्लियर आ रही है, क्योंकि ऑडियो में
अभी आवाज़ में कुछ डिफरेंस आ रही होगी, पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि भाई आवाज़ में कुछ अलग अलग आ रहा होगा, कोई डिम आवाज़ गल रहा होगा, साफ नहीं आ रहा होगा। अभी बोल रहा हूँ क्लियर आवाज़ रखी तो भाई बोया मैं माइक में यूज़ कर रहा हूँ, जिस देखते हैं यहाँ पर टीचर में इंसर्ट किया हुआ हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फ़ोन के माइक से आवाज़ सुनते हैं। अभी डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ माइक को, अभी जो बोल रहा हूँ कि अभी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि भाई अभी मैं माइक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अभी डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ माइक को, अभी बोलो तो फ्लो हो रहा होगा आवाज़ आस पास से, ऐसे कहीं फ्लो हो रहा होगा, तो फिर बस यही है माइक का मतलब यही डिफरेंस है। मैं माइक का लगाने के फायदा ये होता है कि मतलब केवल आवाज़ आपको फोकस करता है, केवल बस मतलब बाहर का आवाज़ फोकस नहीं करता है। अभी जब मैं बोलूँ तो बाहर का हर जगह आवाज़ फोकस कर रहा होगा। तो ये हम किसी कनेक्ट कर लेते हैं माइक से फ़ोन से, चेक करते हैं। अब इसकी माइक की प्राइस की बात करें तो मैं खरीदा था जस्ट, मैं अगर आप खरीदते हैं बाजार वजार में जैसे मार्केट में चल जाएगी तो 1000 रुपीज़ में पड़ जाएगा। अब ऑनलाइन खरीदते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं भी खरीदते हैं मतलब ई कॉमर्स कंपनी में खरीदते हैं तो आपको मतलब कि जस्ट मतलब 700 में 700 रुपये में आपको करीब मिल जाता है। बस ये तो मैं भी खरीदा भाई हमें, और फिर अगर आप यूट्यूबर हैं तो जस्ट चीज़ लिंक खरीद सकते हैं, आप जल्दी चेक खरीद सकते हैं आपको भाई हमें काम ही है। तो फिर वीडियो कैसा लगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भूल भी जाते हैं हम जाते रहेंगे, बस हमारा काम ही आता है। तुमने देखा, हम भी बड़े फुर्तीले हो।